हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्ट जेएस। तो कंप्लीट आज की इस वीडियो में हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे रिएक्ट जेएस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे या आप इस वीडियो से कुछ सीखे तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, देन शेयर करें। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी जहाँ पर हमने रिएक्ट को इंस्टॉल किया था, नोड जेएस को इंस्टॉल किया था, तो हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये सभी चीज़ें इंस्टॉल हो चुकी है। तो अगर गाइस आप लोगों ने नहीं चेकआउट करी है हमारी प्रीवियस वीडियो जो कि इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसे चेकआउट कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो ये फोल्डर के अंदर हमारे पास सभी चीज़ें आ चुकी है। देन आपको यहाँ पर CMD लिखना है। इससे क्या होगा कि इस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो रिएक्ट YT फोल्डर के अंदर हमारे पास ये ओपन हो चुका है, ठीक है। देन आपको लिखना है कोड डॉट। इससे क्या होगा कि ये फोल्डर हमारे VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे हमने इंटर किया ये हमारे पास VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है, ठीक है। और आज हम कंप्लीट समझेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ अभी कुछ इस तरीके से, और NPM स्टार्ट कर देते हैं। हम NPM स्टार्ट कर देंगे ताकि हमें वो दिखे, बेसिकली जो आउटपुट है वो भी दिखे। तो अभी देखिए हम इसको समझते हैं, सबसे पहले फोल्डर स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, SRC, गिट इग्नोर, पैकेज डॉट जेसन, देन पैकेज लॉग डॉट जेसन, ये फाइलें हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं पैकेज डॉट जेसन फाइल को। सो ये पैकेज डॉट जेसन फाइल क्या होती है? सो पैकेज डॉट जेसन फाइल के अंदर वो सभी डिपेंडेंसीज होती है जो हमने बेसिकली इंस्टॉल की है, उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। ओके, तो आप लोग देख सकते हो जैसे हमने रिएक्ट इंस्टॉल किया है तो ये डिपेंडेंसीज के अंदर हमारे पास ये रिएक्ट शो कर रहा है। और भी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आप लोग देख सकते हो ये हमारे फोल्डर का नाम है, वर्जन है, और हमारे पास स्क्रिप्ट होती है जैसे स्टार्ट रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट, बेसिकली जो हम NPM स्टार्ट करते हैं इस तरीके से स्क्रिप्ट होती है, और जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, और जो भी हम डिपेंडेंसीज पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे वो हमें पैकेज डॉट जेसन में उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, देन हमारे पास आता है पैकेज लॉग डॉट जेसन। सो ये पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल बहुत ही बड़ी होती है, हैवी होती है। जो भी पैकेज हमें रिएक्ट, बेसिकली रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज़ पड़ सकता है, जिसका यूज़ आ सकते हैं, उन सभी की डिटेल यहाँ पर बेसिकली इस पैकेज डॉट लॉग जेसन फाइल में होती है। ओके, ये बहुत ही हैवी फाइल और बड़ी फाइल होती है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। और ये जो नोड मॉड्यूल्स आप फोल्डर देख रहे हो, ये जो नोड मॉड्यूल फोल्डर है, ये भी इसी के अंदर भी जो भी हमें रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर जो पैकेजेस का काम आ सकता है, ओके, अभी हमने उसको इंस्टॉल नहीं किया, जो जिनका हमें काम पड़ सकता है, वो इस नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर वो सभी के सभी पैकेज अवेलेबल होते हैं। ओके, ये नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, तो बहुत सारी आप लोग देख सकते हो उसके अंदर हमारे पास पैकेजेस होते हैं, तो वो अवेलेबल होते हैं जो हमें रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर नीड पड़ सकती है। और पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल के अंदर भी उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, और आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ी हैवी फाइल है। ओके, तो ये हमने समझा पैकेज लॉग डॉट जेसन और नोड मॉड्यूल्स को। देन हम समझते हैं पब्लिक फोल्डर। ये हमारे पास पब्लिक फोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास फेव आइकन है, तो ये बेसिकली रिएक्ट का आइकन होता है, आप लोग देख सकते हो। देन हमारे पास है index.html फाइल। ओके, सो index.html फाइल है जिसके अंदर हमारे पास जो HTML का सिंटैक्स होता है, जो बॉयलर प्लेट कोड होता है, खाली वो है जिसमें टाइटल हमने लिखा है रिएक्ट ऐप, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है, और सिर्फ एक ड्यू है जिसकी ID रूट है, बाकी कुछ भी नहीं होता। ओके, सो ये ID रूट है एक ड्यू की, और आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली कि जब भी हम किसी ID को एक्सेस करना चाहते तो हम कैसे करते, तो document.getElementById की मदद से। ओके, तो आपको इस ड्यू को, इस ID को थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि हमें इसका यूज़ है। ओके, इसको समझने में हमें बहुत ईजी होंगी। तो देखिए हमारे पास ये पब्लिक फोल्डर है, और SRC फोल्डर के अंदर हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, मैंने बताया था आपको कि index.js फाइल जो कि मेन फाइल होती है। ओके, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल बनाया है रूट कॉन्स्ट, और document.getElementById की हेल्प से इस रूट को टारगेट कर रहे हैं, मतलब
ये जो ड्यू के अंदर आईडी है इसको टारगेट कर रहे हैं, ओके। और हमने लिखा है रूट डॉट रेंडर, रेंडर का मतलब होता है शो करना, दिखाना। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस रूट के अंदर, मतलब जो आईडी है हमारे पास रूट, उसके अंदर दिखाओ, क्या दिखाओ, ऐप कंपोनेंट को दिखाओ। तो बेसिकली आपको ये समझना है अभी कि ये जो HTML फाइल है, इस HTML फाइल के अंदर जो ड्यू है रूट, इसके अंदर ही हम जो भी शो करते हैं रिएक्ट के अंदर, वो इसके अंदर शो करते हैं, ओके। आपके पास ये index.html फाइल का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। देन आप लोग देख सकते हो हमारे पास इसके अंदर हम क्या दिखा रहे, ऐप कॉम्पोनेंट को दिखा रहे। तो देखिए app.js ये हमारे पास कॉम्पोनेंट है, मतलब जो कॉम्पोनेंट है, एक फाइल होती है रिएक्ट के अंदर, उसको हम कॉम्पोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोग देख सकते हो कि हमें, मैं यहाँ पर बेसिकली इसको npm स्टार्ट कर देता हूँ, ओके, जिससे हमें क्या होगा कि जो उसका जो आउटपुट है वो दिखेगा, हमारी एप्लीकेशन रन होगी। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा होगा जो हमें रिएक्ट का आइकन, जो जब हमारी वेबसाइट बेसिकली रिएक्ट एप्लीकेशन रन होती है जो हमें दिखता है, तो वो ये कोड लिखा हुआ है, ओके, वो ये कोड लिखा है, इसकी वजह से वो हमें दिख रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस कोड की जगह कुछ और लिखते हैं, लाइक डेट हम हेलो वर्ल्ड लिखते, तो वो हमें शो होगा। ये app.js हमारा क्या है, कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट बेसिकली देखिए यहाँ पर हम उसको शो कर रहे हैं। तो कंप्लीट हम समझेंगे आने वाली वीडियो में कंपोनेंट क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, बट मैं आपको अभी फोल्डर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये फोल्डर हमारे पास app.js है, app.js के अंदर ये बेसिकली कोड लिखा हुआ है जो आपको दिखता नहीं है, रिएक्ट का आइकन दिखता है और जिसमें लिखा होता है, तो वो यहाँ से दिख रहा है हमें, ओके, क्योंकि हम यहाँ पर उसको रेंडर कर रहे, शो कर रहे, तो इस तरीके से वो हमें शो हो रहा होता है। हम देख लेते हैं, तो बेसिकली ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बाकी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा कंप्लीट वर्क करता है। और हमने ये चीज़ें तो समझ ली, जो कि इंपॉर्टेंट फाइलें होती है index.html, बाकी ये फाइव आइकन, तो इसमें आइकन होता है, और ये logo.png इसके अंदर png होती है, manifest.json, और ये भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फाइल नहीं होती है, ओके, manifest.json इसके अंदर json है। देन हमारे पास सोर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास app.css होता है, बेसिकली ये css फाइल है css देने के लिए, ओके। देन हमारे पास इसके अंदर एक index.css फाइल भी होती है, जो कि ग्लोबल फाइल कह सकते हैं हम, ओके। देन इसके अंदर app.test.js, तो ये हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली अगर आपको टेस्ट केसेस लिखना हो तो आप इस फाइल का यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर टेस्ट केसेस लिख सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट केसेस लिखने के लिए यूज़ करते हैं। देन logo.svg, ये svg है, रिपोर्ट वेब वाइटल गिट इग्नोर, ये अभी हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये जो गिट इग्नोर फाइल है, ये अभी तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हम जब रिएक्ट का ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लेंगे, कोई प्रोजेक्ट बना लेंगे, और उस प्रोजेक्ट को अगर हमें गिटहब पर अपलोड करना है, तो जब मैं बताऊंगा आपको एक गिट इग्नोर फाइल क्या होती है, वैसे अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। और हमने ये सब फाइलें फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लिया है। तो आप लोग देख सकते हो ये हमारा जो रिएक्ट ऐप है लोकल हाउस 3000 पर रन होता है और रन हो चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें रिएक्ट का आइकन दिखता है कुछ इस तरीके से, और वो क्यों दिख रहा है, ये app.js के अंदर कंपोनेंट के अंदर हमने ये कोड लिखा है, इस वजह से दिख रहा है। और मैंने जैसे कहा था, अगर मैं इस कोड को हटा दूँ और यहाँ पर मैं सिंपली h1 में लिखूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करेंगे और एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, हालांकि ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है, बट कभी कभी इंटरनेट की वजह से भी हमें प्रॉब्लम आती है, तो हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और ये ऐप कंपोनेंट जा रहा है, इस रेंडर हो रहा है बेसिकली इसके अंदर, जो हमने देखी थी आईडी रूट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, तो जैसे ही रिफ्रेश होगा तो बेसिकली हमें इसकी जगह यहाँ पर हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो दिखने वाला है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, ओके। अगर हमें हेलो वर्ल्ड की जगह और कुछ भी चेंजेस कर दे, हम हेलो वर्ल्ड्स कर दे, ओके, कुछ इस तरीके से, देखिए ये हमने एस और ये ऐड किया आइकन, ये देखिए ऐड हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो मतलब ये जो ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने जो लिखा था वो हमें शो हो रहा था, और index.js फाइल मेन फाइल होती है जिसके अंदर हमने इंपोर्ट किया ऐप को और कंपोनेंट को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और वो हमें दिख रहा है इस index.html फाइल के आईडी रूट के अंदर। तो ये था यार फोल्डर स्ट्रक्चर, और आज की इस वीडियो में यार इतना ही, हमने कंप्लीट समझा फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होंगी।
अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर गाइज़ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरीके से कंटेंट मिलने वाला है। प्लीज़ सपोर्ट गाइज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।